हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कस्टर वीडियो में। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ मैथ ट्रिक्स। ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के हैं, अंडर रूट की क्वेश्चन रूट पे दिया हुआ है। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी। ये जो दिया हुआ है अंडर रूट ए, फिर अंडर रूट ए, फिर अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अनंत दिया हुआ है, इनफाइनाइट का, इन दोनों में क्या है, अंतर नहीं कर पाते लोग। ये जो है अनंत दिया हुआ है और ये है इसमें जो है ये जो है अनंत नहीं है, ये जो है यहीं तक सीमित है, ये जो है असीमित है। तो इन दोनों में लोग विद्यार्थी क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख कर कि अब क्या करें। तो इसमें देखिए ये जो है अनंत दिया हुआ है, तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, कितनी कड़ी दी हुई है, एक दो तीन चार, चार कड़ी दी हुई है, इसमें चार रूट दिए हुए हैं। तो उसमें देखिए क्या करेंगे हम, अंडर रूट ए, इसमें जो है ये दिया हुआ है, इसको जो है हम एक्स मान लेंगे, जो अनंत तक दिया हुआ है इसको इसको जो है हम एक्स मान लेंगे। फिर अंडर रूट और बराबर इसे कर देंगे हम इक्वल एक्स के, इक्वल एक्स कर देंगे हम इसे। ये जो है अंडर रूट हटाएंगे, अंडर रूट हटाने पर ये जो है स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स से हम एक्स कैंसिल कर सकते हैं, तो ए बराबर एक्स या एक्स बराबर ए। तो इसका मान जो है ए ही आएगा, इसका मान जो है हमने इसे जो है एक्स के बराबर माना था हमने इसे, तो इसका मान जो है ए ही आएगा। अगर हम ए के स्थान पर जैसे पेपर में कोई भी वैल्यू हो जाती है ए के स्थान पर, ए बराबर अगर हम कोई वैल्यू रख देते हैं पाँच या दो या तीन, पेपर में कैसी वैल्यू दी होती है, ए की जगह कुछ भी आ सकता है, दो तीन एक चार, तो ए का मान जो है वही आएगा जो दिया हुआ है यहाँ पर। मतलब जैसे यहाँ पर पाँच दिया हुआ है तो इसका मान जो है यहाँ अनंत दिया हुआ है, तो इसका मान जो है पाँच ही आएगा। अगर एक स्थान पर हम पाँच रखते हैं, एक स्थान पर अगर हम पाँच रखते हैं, एक स्थान पर अगर हम पाँच कर दें तो इसका मान जो है पाँच ही आएगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा, अनंत दिया हुआ है अगर अंडर रूट में तो इसका मान जो है पाँच ही आएगा। तो आप लोग उम्मीद है आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, एग्जाम में आ रहा है, कन्फ्यूज नहीं होंगे आप सभी लोग। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो है अनंत तक दिया हुआ था, इसमें जो है अनंत तक नहीं दिया हुआ है, ये जो है सीमित है, ये असीमित था। बच्चे यही लेकर कन्फ्यूज रहते हैं एग्जाम में क्या क्या करें। तो उसमें देखिए क्या करना होगा, इसमें जो है ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें जो है कितने वर्ग दिए हुए हैं, एक दो तीन चार, चार वर्ग दिए हुए हैं, मतलब चार कड़ी दी हुई है। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, ए पावर टू पावर एन माइनस वन अपॉन टू पावर एन। एन यहाँ पर जो है वर्गमूलों की संख्या है या करणी की संख्या है, एन यहाँ पर क्या है करणी की संख्या, एन क्या है करणी की संख्या, एन क्या है करणी की संख्या है, करणी की संख्या कितनी है, एक दो तीन चार, अगर चार पार्ट में दिए हुए हैं तो इसका मान जो है टू पावर एक दो तीन चार, चार दिए हुए करणी की संख्या तो चार रख देंगे यहाँ पर, अपॉन टू पावर एन, एन मतलब कितनी दिए हुए हैं चार करणी, तो चार रख देंगे यहाँ पर, तो ए टू पावर फोर यानी सोलह, सोलह में से क्या कहते हैं पंद्रह, पंद्रह अपॉन पंद्रह अपॉन सोलह हो जाएगा, ठीक है टू पावर फोर यानी सोलह। तो इसका मान जो है ये हो जाएगा, अगर एक स्थान पर कोई वैल्यू हो जाती है, मान लो पाँच रख देते हैं, तो इसका मान एक स्थान पर अगर हम क्या रख देंगे पाँच रख देंगे, तो पाँच पार पंद्रह अपॉन सोलह, इसका मान ये हो जाएगा। तो बच्चे क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैंने आप सभी को बता दिया है कन्फ्यूज, आप सभी को कन्फ्यूज नहीं होना। ये जो है अनंत तक दिया हुआ था, ये जो है अनंत तक नहीं दिया हुआ था, ये जो है सिंपल था, ये जो है असीमित है, ये जो है सीमित था। इसमें जो है आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना होगा, ए पावर टू पावर एन माइनस वन अपॉन टू पावर एन, एन बराबर क्या है करणी की संख्या है,
तो एंगुलर अकर्डिंग किसने कितनी है, एक दो तीन चार, यहाँ पर चार अंक रहेंगे, टू पावर फोर माइनस वन अपॉन टू पावर फोर, ये फॉर्मूला होता है। अगर एक स्थान पर कुछ भी आ जाता है, दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, तो आप सभी लोग उस एक स्थान पर रख सकते हैं। आप सभी लोग एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन, कन्फ्यूज नहीं होंगे, मैंने आप सभी को बता दिया है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नौ नए अंतर क्या है, आप सभी लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। आप तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, और मैं आप सभी लोगों को ऐसी ट्रिक बताता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।